गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? अभी तक जो जितनी भी तरह की हमने गति पढ़ी थी, वो या तो हमारा जो पार्टिकल है वो एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा था या वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा था, ओके। लेकिन प्रोजेक्टाइल में जो गति हो रही है वो जो है टू डायमेंशनल प्लेन, जैसे एक एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो जो मोशन हो रहा है वो एक प्लेन में मोशन हो रहा है, मोशन इन अ प्लेन, ओके। प्लेन में मतलब आपके पास एक्स डायमेंशन है, वाई डायमेंशन है, तो एक्स और वाई प्लेन के अंदर मोशन हो रहा है। तो अगर मैं किसी चीज को जो है किसी एंगल से फेंकती हूँ, एंगल से फेंकती हूँ, तो वो उसका जो पाथ होगा वो इस तरह से होगा उसका पाथ, ओके। जैसे आपने एक बॉल फेंकी आपके फ्रेंड को, तो वो जो बॉल है वो इस तरह से जाएगी, कैच करेगा यहाँ पे आपका फ्रेंड है। तो मोशन कैसे हो रहा है? आपका एक्स डायरेक्शन में भी मोशन हो रहा है, वाई डायरेक्शन में आपकी बॉल आगे भी बढ़ रही है और ऊपर भी जा रही है। तो ये जब पाथ जो ट्रेवल होगा ये बनेगा प्रोजेक्टाइल, ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो है कि एक्सेलरेशन जो एक्टिंग है पार्टिकल पे, वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है, ठीक है। तो अब इसमें जो है हम निकालेंगे कि जैसे आपने एक बॉल फेंकी अपने फ्रेंड को, है ना, एक एंगल पे, ठीक है, तो वो जो है कितनी मैक्सिमम हाइट ट्रेवल करेगी, कितनी जो है मैक्सिमम जो है उसकी लेंथ ट्रेवल होगी, किसी पर्टिकुलर टाइम पे उसकी क्या जो है वेलोसिटी होगी, ये सब चीज़ें हम प्रोजेक्टाइल मोशन में यहाँ डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि मोशन एक प्लेन में हो रहा है, ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब प्लेन में अगर हम कोई चीज़ डिस्कस करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो हम उसके दो कंपोनेंट निकाल लेते हैं, एक्स एक्सिस में एंड वाई एक्सिस में, तो वो जो है उसको एनालिसिस करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो यहाँ पे भी अब हम क्या करेंगे, मोशन का एक्स कंपोनेंट ले लेंगे और मोशन का वाई कंपोनेंट ले लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि ये एक्स एक्सिस प्लेन है, एक्स एक्सिस है एंड दिस इज वाई एक्सिस, ओके। अब हमने एक एंगल अल्फा से, एक एंगल अल्फा से एक वस्तु को फेंका है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू है, कितनी है इनिशियल वेलोसिटी, यू, कितने एंगल से, अल्फा एंगल से उसको जो है हमने ऊपर फेंका है, तो वो जो पाथ लेगी, तो वो एक जो पाथ बनेगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ होगा, इसको हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। पॉइंट ओ को हम प्रक्षेप पॉइंट बोलते हैं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अल्फा जो है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, यू आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, ये कहाँ तक जाएगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसको हम जो है परास बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, और कितनी हाइट तक जाएगी, दिस इज द मैक्सिमम हाइट जो हम निकालेंगे, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हमने एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दो पार्ट में मोशन को डिवाइड कर लिया। इनिशियल वेलोसिटी यू थी, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, यू कॉस अल्फा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बना रहा है, तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस अल्फा हो गया, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट हुआ वो यू साइन अल्फा हुआ। कंपोनेंट्स कैसे निकालते हैं वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो है सपोज किसी टाइम टी के बाद पॉइंट पी पे पहुंचती है, ओके, तो एक वेलोसिटी उसकी वी हो जाएगी। अब मान लो वो एंगल बना रही है थीटा उस समय पे, तो वी वेलोसिटी जो थीटा एंगल बना रही है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, वी कॉस थीटा होगा, और उसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, वी साइन थीटा होगा। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है जीरो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी जो होती है वो कॉन्स्टेंट होती है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाले इक्वेशन लगाएंगे, और वाई डायरेक्शन में मैंने बताया था कि जो पार्टिकल है वो कौन सी ग्रेविटेशन जो एक्सेलरेशन लग रहा है, वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है। तो वाई डायरेक्शन में जो मोशन होगा उनमें वो इक्वेशन लगेंगे जो हम वर्टिकल मोशन के लिए जो
इक्वेशंस काम में लेते हैं, वर्टिकल मोशन के लिए जो जो हमने गति के समीकरण पढ़े थे वो हम जो है वाई डायरेक्शन में लगाएंगे। तो इस तरह से अब आप जो है पूरी जो इस प्रोजेक्टाइल मोशन को बहुत इजीली समझ सकते हो। जब भी हमको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन अप्लाई करना है तो कौन से इक्वेशन लगेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के, और जब हमको वाई डायरेक्शन में जो है अप्लाई करना है तो हम जो है वर्टिकल मोशन के इक्वेशंस लगा देंगे। इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो आपके पास वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है वो आपका कांस्टेंट रहेगा। ओके, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। अब हमको किसी पॉइंट पी पे आफ्टर टाइम टी के बाद वेलोसिटी निकालनी है। सपोज तो हम जो है देखो दो कंपोनेंट है हमारे पास, दो वेलोसिटीज है यू एंड वी। सबसे पहले हमने यू के कंपोनेंट करे, यू कॉज अल्फा, यू साइन अल्फा। फिर हमने जो है पी पे पहुंचने के बाद आफ्टर टाइम हमको वेलोसिटी निकालनी है, तो हमने वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लिए, वी कॉस थीटा, वी साइन थीटा। तो वी कॉस थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, यू कॉस अल्फा के। हमने बताया था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में वेलोसिटी में चेंज नहीं होता, तो आफ्टर टाइम वी कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इनिशियल वेलोसिटी का, तो यू कॉस अल्फा, ये हमारे पास इक्वेशन वन आ गई। इसके बाद वर्टिकल मोशन को देखते हैं, तो वर्टिकल में कंपोनेंट क्या आया है, वी साइन थीटा। इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल में कितनी है, यू साइन अल्फा, तो कौन सा इक्वेशन लगाएंगे हम, वी इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। लेकिन यहाँ पे हम वी इज इक्वल टू वर्टिकल मोशन वाला इक्वेशन लगा रहे हैं, लेकिन कंपोनेंट कौन से लेंगे जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं, तो वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास टी टाइम के बाद वेलोसिटी कितनी थी, वी, और इनिशियल वेलोसिटी यू। तो वी टाइम टी के बाद वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया, वी साइन थीटा, और ये आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट है इनिशियल वेलोसिटी का। तो बस हमको यहाँ पे वर्टिकल मोशन में वर्टिकल कंपोनेंट रख रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के, तो ये वी साइन थीटा इज इक्वल टू यू साइन अल्फा माइनस जी टी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी अल्फा एंगल पे है और फाइन जो जिस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं वहाँ वेलोसिटी का एंगल थीटा है। ओके, अब हमको निकालनी है वी कितनी होगी, तो वी के लिए क्योंकि कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू वन होती है अगर सम कर दें, तो अब हम स्क्वायर इसका वन इक्वेशन वन का स्क्वायर कर लेंगे और इक्वेशन टू का स्क्वायर कर लेंगे, तो और दोनों को ऐड करेंगे, वन का स्क्वायर वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आया, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, सेकेंड का स्क्वायर वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इसको अगर हम ओपन करेंगे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू यू यू साइन अल्फा जी टी। ओके, सिंपल जो है हम एलजेब्रिक उसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से इसको निकाल लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास दोनों को ऐड कर दिया हमने, तो ये बना वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू यू साइन अल्फा जी टी। अब हमने यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा और यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर, इनको हमने लिख दिया वी स्क्वायर, और इस तरह से वी की जो वैल्यू है ये वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो वी की वैल्यू आई अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस टू यू जी टी साइन अल्फा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास टाइम टी के बाद इस तरह से हम वेलोसिटी निकाल लेंगे। सिंपल, पहले हमको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसके बाद वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल मोशंस को यूज करके हम वर्टिकल डायरेक्शन में निकाल लेंगे और इनको स्क्वायर कर देंगे और एड कर लेंगे। ओके, इसी तरह से अगर हमको एंगल थीटा निकालना है टी टाइम के बाद, तो हमने इक्वेशन वन को इक्वेशन टू को इक्वेशन वन से डिवाइड कर लिया, वी साइन थीटा अपॉन वी कॉस थीटा यू साइन अल्फा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस अल्फा, और टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकाल ली यू साइन अल्फा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस अल्फा। तो थीटा की जो वैल्यू आई वो टेन इनवर्स यू साइन अल्फा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस अल्फा।
तो अगर हमसे कोई टाइम टी के बाद वेलोसिटी और एंगल थीटा पूछे तो हम दोनों इक्वेशंस को यूज करके निकाल सकते हैं। अब हमको हाइट एच पे वेलोसिटी क्या होगी, तो जब हमारे पास दो वेलोसिटीज गिवन है और किसी हाइट पे वेलोसिटी निकालनी होती है, यू गिवन होता है, और किसी पर्टिकुलर हाइट पे हमको वेलोसिटी, हाइट गिवन है हमारे पास, तो वेलोसिटी कितनी होगी, तो हम कौन सा इक्वेशन लगाते हैं, वी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, यही वाला इक्वेशन लगाते हैं हम। किसी पर्टिकुलर हाइट के लिए अगर वेलोसिटी निकालनी है तो इनिशियल वेलोसिटी को यूज करके कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच वर्टिकल मोशन के लिए। और तो यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यू का इनिशियल वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस टू जी एच, एक्सेलरेशन जी लग रहा है। और हॉरिजॉन्टल मैंने पहले भी बताया था हमारा सेम रहेगा, वी कॉस थीटा इज इक्वल टू यू कॉस अल्फा। अब हमने इस इक्वेशन टू को जो है स्क्वायर कर दिया और वन के साथ एड कर दिया, तो वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर किया तो वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आया, ये एज इट इज ही रहेगी हमारे पास, और इसका स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा कर दिया। तो ये वी स्क्वायर अगर हम कॉमन ले तो अंदर जाके वन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, वी स्क्वायर, और ये वी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा को जोड़ देंगे, यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, तो वी की वैल्यू अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस टू जी एच आ जाएगी। ठीक है, अब हमको एंगल निकालना है एच हाइट पे, तो हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करेंगे, तो इस इक्वेशन का स्क्वायर रूट कर लेंगे, इस इक्वेशन का स्क्वायर रूट करने से वी साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, वी कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो टेंजेंट थीटा आ जाएगा अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस टू जी एच अपॉन यू कॉस अल्फा। तो अभी हमने दो चीजें निकाली हैं कि एक टाइम टी के बाद वेलोसिटी और एंगल कितना होगा, इसी तरह हाइट एच के बाद जो है वेलोसिटी और एंगल कितना होगा, सिंपल है। ठीक है, अब हम निकालते हैं कि प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट कितनी जो है अचीव कर सकता है और उसको इस हाइट एच तक जाने में टाइम कितना लगेगा, जितना टाइम इसको यहाँ लगेगा उतना ही टाइम इसको वापस आने में लगेगा, तो टोटल टाइम निकाल सकते हैं टू टी करके। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक जाने में जो है कितनी रेंज कवर करेगा, हॉरिजॉन्टल मोशन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये अब हम यहाँ निकालेंगे। तो मैक्सिमम हाइट ये वाली है आपके पास, तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, वर्टिकल मोशन का वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस टू जी एच। फाइनल वेलोसिटी जो है हमारे पास जीरो है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट तक जाने के बाद वो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस टू जी, अब एच को हम यहाँ पे कैपिटल एच से लिख रहे हैं, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू टू जी एच हो जाएगा, और एच की वैल्यू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन टू जी आ जाएगी। अब इसमें टाइम कितना लगेगा, तो हम जो है इक्वेशन टाइम और वेलोसिटी वाली इक्वेशन यूज करेंगे, वी इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, बट कॉम्पोनेंट हमको वर्टिकल लेने हैं, तो वी साइन थीटा इज इक्वल टू यू साइन अल्फा माइनस जी टी। ठीक है, अब हम जो है वी साइन थीटा जीरो हो जाएगा, यू साइन अल्फा, और टी को यहां से यहां तक के टाइम को हम लिख रहे हैं टी, मैक्सिमम हाइट तक ट्रेवल किया गया जो टाइम है वो है कैपिटल टी, तो टी की वैल्यू यू साइन अल्फा अपॉन जी आई, और टोटल टाइम यहां से यहां आने में कितना लगा, जितना ये इसका उतना ही टाइम टी लगेगा, तो टू टी कर देंगे, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, जितनी देर ये एयर में रहती है, तो वो टू टी हुआ टू यू साइन अल्फा अपॉन जी। क्लियर हो गया, ये मैक्स, ये हमारे पास इसका इक्वेशन बना मैक्सिमम हाइट का, ये हमारे पास इक्वेशन बना कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। ठीक है, अब रेंज निकालनी है हमको, तो रेंज क्या होती है, हमारे पास रेंज होती है यहां से यहां तक का कितना जो है हॉरिजॉन्टल मोशन हुआ। अब हॉरिजॉन्टल मोशन में जो है इक्वेशन जो बनेगी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाली बनेगी। ठीक है,
तो टोटल टाइम कितना लगा था, अभी हमने कैलकुलेट करा था 2u sin अल्फा अपॉन जी, यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगा था 2t, और वेलोसिटी हमारे पास सेम रहेगी जो इनिशियल वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये बनेगा 2u² sin α cos α अपॉन जी, जिसको हम सिंपलीफाई करके 2 sin α cos α को sin 2α लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा u² अपॉन जी। अब ये मैक्सिमम कई बार क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम रेंज कितनी कवर करेगा, तो मैक्सिमम रेंज कितनी कवर करेगा, sin 2α की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, π/2 के लिए हो सकती है, तो sin 2α जो है कितना हो जाएगा, साइन जो 2α की वैल्यू π/2 हो जाएगी, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/4। तो 45 डिग्री पे जो है मैक्सिमम रेंज कवर होती है, उस रेंज की वैल्यू कितनी होगी, जब हम ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे sin 2 × π/4, तो ये π/2 हो जाएगा, यानी 1 बन जाएगा, और आर की वैल्यू u² अपॉन जी, तो मैक्सिमम रेंज कवर होगी u² अपॉन जी के। अब हमको इक्वेशन, इस पाथ की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो इक्वेशन के लिए मतलब हमको एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट चाहिए। तो सपोज ये पॉइंट हमने एम लिया, ये पी लिया, ओ एम इज इक्वल टू एक्स है और एम पी इज इक्वल टू वाई है, तो ओ एम क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यू कॉज अल्फा इंटू टी, टाइम टी पे मान लो पी पॉइंट पे है, तो ओ एम हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट यू कॉज अल्फा इंटू टी, और ये जो हो जाएगा टी यहां से आ जाएगा एक्स अपॉन यू कॉस अल्फा। अब पी एम वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन आफ्टर टाइम टी यू साइन अल्फा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब क्योंकि हमको एक्स और वाई में इक्वेशन चाहिए, तो हम टी की जो वैल्यू है वो एक्स की फॉर्म में यहां से लेकर और इस इक्वेशन में टी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो पी एम हो गया वाई, यू साइन अल्फा टी की वैल्यू ली एक्स अपॉन यू कॉस अल्फा माइनस हाफ जी टी की वैल्यू एक्स अपॉन यू कॉस अल्फा होल स्क्वायर। तो हमारे पास इक्वेशन आई वाई एक्स टेंजेंट अल्फा, ये देखो ये कैंसिल हो गए, तो एक्स टेंजेंट अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर 2u² cos² अल्फा। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री की निकाल सकते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ट्रेजेक्ट्री बेस्ड भी आता है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बेस्ड भी आता है। अब हम एक जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन पे बेस्ड। तो क्वेश्चन है, एक गोली 490 मीटर पर सेकंड के वेग से क्षैतिज के साथ 30 डिग्री कोण बनाती हुई दागी गई है, ज्ञात कीजिए कुल समय, महत्तम ऊंचाई, परास। तो गोली का इनिशियल वेग कितना है, 490 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री। तो हम जो है डायरेक्ट फॉर्मूला से टोटल टाइम, मैक्सिमम हाइट और रेंज निकाल सकते हैं। तो जो हमने फॉर्मूले टी के लिए बनाया था 2u sin α/g, एच के लिए u² sin² α/2g, है ना, आर इज इक्वल टू u² sin 2α/g। तो ये हम फॉर्मूला में पुट करेंगे, u की वैल्यू 490, अल्फा की वैल्यू 30, और जो है सारी वैल्यूज निकाल लेंगे। इसी तरह एक और एप्लीकेशन हम देखते हैं, ठीक है, कि पृथ्वी के धरातल से 10 मीटर ऊंचे बिंदु से एक गोला क्षैतिज दिशा में छोड़ा गया। यदि गोला छोड़ने वाले बिंदु से 150 मीटर की क्षैतिज दूरी पर पृथ्वी से टकराता है, तो गोले का प्रारंभिक वेग निकालो। हमने यहाँ से जो है एच हाइट पे, कितनी है एच हाइट, 10 मीटर ऊंचा पॉइंट है, और इनिशियल इसको किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव किया, और वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो पाथ कौन सा बनेगा, प्रोजेक्टाइल, ठीक है, कहाँ जाके टकराया ये, 150। इस तरह की एप्लीकेशंस आती हैं, जैसे हम बाढ़ ग्रसित एरिया में खाना पहुंचाते हैं, तो हम कहाँ से उसको डालें कि जो है प्लेन मूव कर रहा है हेलीकॉप्टर, और ये जो है किस रेंज पे जाके टकराएगा, कोई अगर बम का निशाना है, इस तरह की जो एप्लीकेशंस हैं वहाँ पे ये प्रोजेक्टाइल मोशंस को हम मोशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो वर्टिकल मोशन के लिए जो है हम h यूज करेंगे, तो क्या होगा, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, h कितना था 10 मीटर, हाफ g कितना था 9.8 इंटू टी, k
कितने टाइम में टकराया ये यहाँ पे 1.4828 सेकेंड्स के बाद ये यहाँ पे टकराया। अब जब ये यहाँ टकराया ठीक है, उस वक्त ये डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर चुका था 150। इस टाइम में इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो थी 150। तो अब हम इनिशियल वेलोसिटी, अब हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन लगा के इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, तो ये जो कॉम्पोनेंट है ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो होता है क्योंकि जो वेलोसिटी है कॉन्स्टेंट होती है। तो ये 150 u इंटू टाइम 1.428, सीधा हम जो है सिंपल जो लीनियर इक्वेशन होती है उसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो u की वैल्यू 150 डिवाइडेड बाय 1.428, 105 मीटर पर सेकंड आई। तो इस तरह से जो है ये हम प्रोजेक्टाइल मोशंस के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।